नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पे आपका। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 70 नंबर के पार्ट में मैं आपसे इनकम्प्लीट लिंकेज पर चर्चा करूंगा। जिस प्रकार से आपके 60 नंबर के पार्ट में आपसे कंप्लीट लिंकेज पर चर्चा हुई थी, तो यहाँ इनकम्प्लीट, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत सिंपल है पोर्शन ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये महत्वपूर्ण बहुत है हर स्टेट के लिए। हर स्टेट में मुख्य रूप से पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी प्रकार से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज को देखिए, वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन को मैं बिल्कुल नहीं बदलना चाहूंगा, सिर्फ एक शब्द लगाकर मैं बदल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि डेफिनेशन आप वही की वही रट डाल लीजिए, आपका काम चल जाएगा। देखिए तो क्या डेफिनेशन दी जाती है, जब संलग्न जीन जब सहलग्न जीन के पृथक होने होने की संभावना हो, जब सहलग्न जीन के पृथक होने की संभावना हो, यहां कॉमा लगा दीजिए, अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल में कौन कौन सा लिख दूं, मक्का यानी मेज, मक्का मेज कोमा मीठी मटर स्वीट पी और मादा यानी फीमेल ड्रोसो फिला। ये इनमें मुख्य रूप से अपूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है, पूर्ण को जैसे मैं बताया है तो अपूर्ण क्या होती है। तो देखिए कि ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर ये लाइनियर क्रम में जीन स्थित हैं, देखिए लाइनियर क्रम में ये जीन स्थित हैं, यानी कि जो जीन जितनी दूरी पर स्थित हैं, ये जीन मैंने आपको पूर्ण में बताए थे कि नजदीक स्थित हैं, क्या स्थित है, नजदीक स्थित हैं। ये जीन इस जीन से इसकी तुलना में कितनी अधिक दूरी पर स्थित है, कितनी अधिक दूरी पर स्थित है, तो इस जीन के पृथक होने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम पर जो जीन जितनी अधिक दूरी पर स्थित है, तो उसके पृथक होने की संभावना उतनी ही अधिक है। ऐसा टीएच मॉर्गन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके मुख्य रूप से बताया था। इन्होंने मुख्य आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, आपके सिलेबस में मेज या मक्के का एग्जाम्पल लेकर बताया गया, मेज या मक्के के एग्जाम्पल लेकर बताया गया। इन्होंने मुख्य रूप से मेज या मक्के यानी कि रंगदार भरे हुए बीज एवं रंगहीन एवं सूखे बीजों को क्रॉस लेकर कराया था। क्या रंगदार
भरे हुए सीड्स को लिया और रंगहीन एवं सुकड़े सीड्स को लिया था, इनको लेकर क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर मुख्य रूप से एफ टू जनरेशन जो प्राप्त हुई, इस एफ टू जनरेशन में मुख्य रूप से 96.4% पेरेंटल करेक्ट प्राप्त हुआ। 96.4% पेरेंटल कैरेक्टर प्राप्त हुए और 3.6% न्यू कैरेक्टर, न्यू रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। क्या? न्यू रिकॉम्बिनेशन यानी न्यू कैरेक्टर प्राप्त हुए, न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए, यानी नया लक्षण प्राप्त हुआ। इसी चीज को मुख्य रूप से वैज्ञानिक टी एच मॉर्गन ने जब देखा, बार बार एक्सपेरिमेंट किया कि अरे यार इसमें तो नया लक्षण आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि मतलब सीधे सीधे कोई ऐसे जीन थे जो बहुत अधिक दूरी पर स्थित थे, वह एक साथ पूरी के पूरी जनरेशन में नहीं जा पाए, अलग अलग हो गए, इस वजह से मुख्य रूप से नया लक्षण उत्पन्न हुआ होगा, नया लक्षण उत्पन्न हुआ होगा। इसी चीज को कह दिया गया इनकम्प्लीट लिंकेज और अपूर्ण सहलग्नता के नाम से जाना गया। तो आपके सिलेबस में चूंकि मेज या मक्के का है, तो मेज या मक्के को लेकर ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो इसको मैं अब मिटाल देता हूं। देखिए, तो स्वाभाविक है कि कराइए क्रॉस, किस प्रकार से क्रॉस करा सकते हैं आप और हम लोग। तो मक्के का जो वैज्ञानिक ने लिया था, कैसा मैं ले लूं, रंगदार, थोड़ा बड़ा छोटा लिखने की आदत है, रंगदार व भरे बीज, भरे बीज होंगे तो फूले होंगे, मतलब ये कहने का, ठीक है? तो रंग के लिए मुख्य रूप से क्या होगा, रंगदार के लिए सी सिंबल लिया जाता है, ठीक है? तो सी ले लिया और भरे के लिए एस ले लेते हैं, ये कैपिटल दोनों हो गए, ठीक है? तो ये सेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये इस प्रकार से यहां कर दिया। अब ठीक है, दूसरा क्या लेते हैं, तो रंगदार का अपोजिट क्या हो जाएगा, रंगहीन, और भरे का क्या हो जाएगा, सिकुड़े, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या ले लें, स्मॉल सी ये और स्मॉल सी और कैपिटल है स्मॉल एस, ठीक है? तो ये ले लिया, इनको लेकर मुख्य रूप से क्रॉस कराया गया। तो ये तो आपको पता है कि गैमेट्स आप आसानी से बना लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि गैमेट्स भी आपको रिवाइज हो जाएं। कैसे? दोनों अलग अलग कर दीजिए, सीधे सीधे दोनों कैसे कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, वही गैमेट्स बन गए। ये तो यहां आपके ब्लैक हैं तो ब्लैक ही लिया जाएगा, तो इसका क्रॉस यहां लिखा जाएगा। ये जो जनरेशन प्राप्त हो रही है, ये जनरेशन कैसी प्राप्त हो रही है, एफ वन जनरेशन। कौन सी जनरेशन प्राप्त हो रही है, एफ वन जनरेशन प्राप्त हो रही है। एफ वन जनरेशन में तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसका क्रॉस, सॉरी यार ये वही के वही बना दिए, गैमेट्स अलग अलग नहीं किए, देखिए ये अलग अलग तो करना था, सरलता की वजह से एक खींचते चले गए, ये देखिए। तो स्वाभाविक है इसका क्रॉस इससे कराओगे, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो ये आएगा, इस फिर इसका क्रॉस इससे कराओगे, इसका क्रॉस इससे कराओ, एक ही जैसे आएंगे। तो मैं सिर्फ एक को लेकर चल रहा हूं, ठीक है? एक को लेकर मैं चल रहा हूं,
तो देखिए कैसे चल रहा हूं एक को लेकर, तो ये तो रेड का रेड है ही, तो ये सिंबल वही लिखा जाए, ये ठीक है लिख दिया। ये ब्लैक है तो ये ब्लैक को लेकर लिखा जाए, तो ये जो आपकी संतान प्राप्त हुई, ये संतान देख लीजिए कैसी है, ऊपर तुलना करके देख लीजिए, और नहीं तो मैं बता बोले देता हूं सीधी सीधे, अभी लिख जाएगा नीचे कि कैपिटल सी है, यानी कि ये कैसा है रंगदार यानी कलर्ड, कैसा कलर्ड, वा कैपिटल एस है भरे बीज। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण व्यक्त हुआ वह कैसा व्यक्त हो रहा था, रंगदार एवं भरे। तो ये कह दिया गया कि रंगदार जो बीज था, रंगदार जो बीज था वह मुख्य रूप से रंगहीन पर प्रभावी था, भरे जो बीज थे वह मुख्य रूप से सिकुड़े हुए बीज पर प्रभावी थे। बीज पूरा नहीं लिखा है क्या? इससे सिद्ध क्या हुआ कि रंगदार रंगहीन पर प्रभावी थे और भरे सिकुड़े पर प्रभावी थे। F1 जनरेशन में ये क्लियर हो चुका। अब F1 जनरेशन का, अब F1 जनरेशन का मुख्य रूप से क्या कराया जाता है, डबल रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, डबल रिसेसिव से मतलब तात्पर्य होता है टेस्ट क्रॉस, चाहे तो यहां ब्रेक यहां लिख सकते हैं टेस्ट क्रॉस, भाई डबल रिसेसिव करेक्ट है, यानी रिसेसिव मतलब क्या होता है, सिर्फ रिसेसिव से क्रॉस कराना ही टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो इसका क्रॉस कराया, तो इसका क्रॉस कराने पर F2 जनरेशन में यहां बनाने जा रहा हूं, ये देखिए। तो ये कौन सी जनरेशन है, ये जो बनाने जा रहा हूं वह है F2 जनरेशन के लिए चार तैयार है, देखिए ठीक है। तो किस प्रकार से बनाया जाए, पहले गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि न्यू कैरेक्टर फॉर्म होता है, मैंने वहां ये बोला था क्या, न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हो रहे हैं, तो यानी कि सीधे सीधे कहा जाए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया यहां आपको करानी पड़ेगी, क्या करानी पड़ेगी, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करानी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप ही न्यू कैरेक्टर प्राप्त होता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त होता है। तो देखिए, तो क्रॉसिंग ओवर के लिए गैमेट सबसे पहले अलग करें, तो यहां से आप देखेंगे जो जो कलर है वही कलर लेकर चलेंगे, आप इसे ध्यान ये रखें। तो कैपिटल एस सी और कैपिटल एस ये वाले लिख दिए, फिर ये लिखेंगे ठीक है, तो ब्लैक से लिखे जाएंगे, किससे लिखे जाएंगे, ब्लैक से लिखे जाएंगे, क्लियर बच्चों? तो ये देख लीजिए, मैं ऐसा करता हूं डायरेक्ट क्रोमेटेड बना के लिख दे देता हूं गैमेट्स फॉर्म में, ठीक है। तो कैपिटल एस स्मॉल, कैपिटल सी और कैपिटल एस दो बार लिख लीजिए, स्मॉल सी और इधर देख लीजिए स्मॉल एस, स्मॉल सी और स्मॉल एस, ये मैंने आपके, अब चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्रोमेटिड अवस्था, ये जो F को यहां थोड़ा ले लूं मैं, क्या F2 जनरेशन को इस साइड लिखे देता हूं, एक ही बात है बच्चों, तो यहां मैं लिखे देता हूं क्रोमेटिड अवस्था, मैं ये दर्शाए गए हैं, ये कौन सी अवस्था दर्शाई, क्रोमेटिड अवस्था दर्शाई गई। अब डबल रिसेसिव लिया था, टेस्ट क्रॉस लिया था, तो इसमें मुख्य रूप से आप क्या दर्शा सकते हैं कि देख लीजिए स्मॉल सी और स्मॉल एस है, तो यहां स्मॉल सी और स्मॉल एस लिख दिया। अब दूसरे भी लिखोगे तो यही आएगा, दूसरे भी लिखोगे तो स्मॉल सी और स्मॉल एस आएगा, तो डबल लिखने की आपको ये लिख दिया, चलिए बिल्कुल क्लियर करना है। तो अब इनके थोड़ा सा अच्छा करने के लिए लाइनिंग कर लें जिससे क्लियर दिखाई दे, देखिए
अच्छे ढंग से समझ लेना, ये कंप्लीट लिंकेज की तुलना में ये टिपिकल है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दर्शानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हुआ, ये क्रॉस कराया जाएगा, इसका क्रॉस इससे होगा, इसका क्रॉस इससे होगा, लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करानी होगी, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया तो कराई नहीं है। ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो क्रोमेटिड को अलग अलग करके बता दिया। क्या बताया? अलग अलग करके बताया, तो अपने को यहां लिखना लिखा जाएगा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया या जीन विनिमय की क्रिया। तो देखिए यहां लिखूं मैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया लिख दी गई, कोई समस्या नहीं है। सही ढंग से देखते चलोगे तो बिल्कुल सरल लगेगा, और थोड़ा सा आपने लापरवाही बरती तो दुर्घटना घटी वाली कहानी है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में क्या होता है कि कैची लाइक स्थिति बन जाती है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, मैं इसमें बना के बता देता हूं कि ये क्या है, क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड को क्रॉस कराना है, तो ये इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ये तो वही मैं कराने जा रहा हूं। देखिए तो उसमें होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो देखें कैपिटल एस सी और कैपिटल एस, अब एक तो रेड ये है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होनी है, तो मैं कैची जैसा स्थिति सीजर जैसी लेके आ रहा हूं, ये कैपिटल सी है तो कैपिटल सी, और ये कैपिटल एस है तो कैपिटल एस, ये लिख दिया गया भाई, ये ऐसे का ऐसा ही है। ठीक है, तो अब यहां ये कराना पड़ेगा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में इस प्रकार से, पहले कह चुके हैं कैची जैसी स्थिति लानी है, तो स्मॉल सी और स्मॉल है, कुछ मत करो, जाए नौकत दो और जाए नौकत दो है गई। अब दूसरा ऐसे का ऐसा ही लिखना है, क्यों? क्योंकि पहले ही कह चुका हूं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। क्या? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम दूसरे का, एक क्रोमोसोम दूसरे का है, क्रोमेटिड है, तो इस वजह से नॉन क्रोमोसोम क्रोमेटिड के बीच में। अब इसका क्रॉस ले लें तो यहां एक लेकर अब अपन चलेंगे, क्यों? क्योंकि समान है दोनों गैमेट, तो एक लेकर ही क्रॉस कराते हैं, ये आपको पता है, ये क्रॉस कराइए। अब देखिए सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के बाद इन क्रोमेटिड की स्थिति क्या बनेगी, क्या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के बाद की स्थिति देखते हैं। तो यहां लिख दीजिए क्रॉसिंग ओवर क्रिया के बाद, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई उसके बाद मुख्य रूप से क्या स्थिति होगी, तो ये कैपिटल सी स्मॉल एस है तो ये तो यहीं का यहीं ऐसे का ऐसा ही बना दीजिए। तो आपको ये पता है कि जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो खंड थे उनके आदान प्रदान हो जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों के बीच के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहा जाता है। तो स्वाभाविक है ये खंड जो है वो टूटकर इससे जुड़ जाएगा और ये वाला टूटकर इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं दर्शाने जा रहा हूं, तो देख लीजिए ये ऊपर वाले सेम टू सेम लिखेंगे, तो ये कैपिटल सी है तो ये लिखा जाएगा और ये स्मॉल सी है तो वही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आदान प्रदान हुआ तो इसका टूटकर इससे जुड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये रेड वाला पहले लिखा तो इसको आप कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, स्मॉल
एस ये लिख दिया। इससे कौन सा जुड़ा? कैपिटल एस, भाई ये कैपिटल एस था, तो ये बन गए रिकॉम्बिनेशन के बाद, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के बाद खंडों का आदान प्रदान होकर बन गए ये। अब स्वाभाविक है, ये तो आपका वही का वही चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जो डबल रिसेसिव का जो है वही का वही चल रहा है, जो ब्लू से लिखा जा रहा है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अब करा डालिए। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के बाद अपने को क्या कराना है? मुख्य रूप से सीधे सीधे एफ टू पीढ़ी के लिए संतति प्राप्त कौन सी होती है, तो उसके लिए क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। करा दीजिए फर्टिलाइजेशन, मतलब इन इसका क्रॉस, अब मैं इधर से नहीं ले रहा हूं, इसका क्रॉस इन चारों से कराकर जो संतानें प्राप्त हैं वहां ये आपको लिखना है। क्या? इसका क्रॉस इन चारों से, या फिर इसका क्रॉस इससे कराओगे तो यहां लिखा जाएगा, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो यहां लिखा जाएगा, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो यहां, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो यहां। तो एक ही बात हो गई, इसका चारों से मैंने कह दिया एक भाषा में बार बार ना कहते हुए। तो देखिए, तो कराइए। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपका ये एक एक लिख दिया जाए। देखिए, तो एफ टू पीढ़ी में प्राप्त संतति, तो एफ टू पीढ़ी में कौन सी संतति प्राप्त होगी? तो ये देख, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल एस है। ठीक है, तो इससे हो रहा है तो ये अब लिखा जाएगा। देखिए, ये अब ये अपने को यहां इस प्रकार से बना दीजिए। ठीक है, तो इसका क्रॉस, क्रॉस के लिए थोड़ा सा स्पेसियस नहीं आ पा रहा है, इस वजह से अब देखिए इसका क्रॉस इससे कराइए, तो वही आपको नजर आ रहा है। देख लें कि स्मॉल कैपिटल सी और स्मॉल एस लिख दिया गया, इधर आपका सीधे सीधे ये लिख दीजिए स्मॉल सी, तो दूसरा ये प्राप्त हो गया। अब इसका क्रॉस इस तीसरे से कराइए, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, स्मॉल सी और कैपिटल एस। ठीक है, अब लिखिए कि स्मॉल सी और स्मॉल एस, तीसरी संतान ये प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस करा डालिए, तो ये स्मॉल सी और स्मॉल एस तो है ही, और ये क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल एस। देखिए, चार प्रकार की संतानें आपके सामने प्राप्त हो गई, चार संतानें आपको मैंने दर्शाई। अब इन चार संतानों के लक्षण देख लीजिए, कौन कौन सी संतानें प्राप्त हुई, चार प्रकार की जो संतानें प्राप्त हुई उनके लक्षण देख लीजिए। तो सीधे सीधे मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया था कि कैपिटल सी इसमें है, कैपिटल सी इसमें, यानी कि ये कलर को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले यहां लिख दिया जाए रंगदार, क्या लिखा गया, रंगदार लिखा गया। तो ये जो रंगदार करेक्टर, इसके साथ दूसरा कौन सा है, स्मॉल सी है, स्मॉल एस है और कैपिटल एस है। तो स्वाभाविक है रंगदार के साथ कैपिटल एस भी लगा हुआ, तो यह कहा जा सकता है कि सीधे सीधे रंगदार के साथ, देखिए कैपिटल एस किसका करेक्टर, इसी का, तो भरे हुए, तो यहां लिखा गया भरे, क्या लिखा गया, भरे लिखा गया। और ये जो करेक्टर प्राप्त हुए थे, ये कितने प्राप्त हुए थे, 48.2%, कितना प्राप्त हुआ, 48.2% प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो दूसरा देखिए कौन सा प्राप्त हो रहा है, यहां ये कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी का क्या है, कलर यानी रंगदार, कलर यानी रंगदार,
लेकिन यहां क्या आ गया, ये स्मॉल एस है। तो स्मॉल एस का करेक्टर क्या है, सीधे सीधे ये देख लीजिए, श्रिंक यानी सिकुड़े, सिकुड़े लक्षण प्राप्त हुए। कैसे लक्षण प्राप्त हुए, सिकुड़े लक्षण प्राप्त हुए। और ये करेक्टर कितना प्राप्त हुआ, 1.8%। कितना प्राप्त हुआ, 1.8% प्राप्त हुआ। थोड़ा जगह की स्पेसियस कम है, मेरी आवाज को सुनते चले अच्छे ढंग से, नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो। तो फिर ये देखिए, तीसरे नंबर का जो लक्षण प्राप्त हो रहा है, तीसरे नंबर का जो लक्षण प्राप्त हो रहा है, तो वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, स्मॉल सी दोनों में है। तो स्मॉल सी के लिए कौन सा है, रंगहीन, कलरलेस। तो यहां लिखा जा रहा है रंगहीन, और इधर ये कैपिटल एस है। तो कैपिटल एस के लिए कौन सा लक्षण है, ये वाला, यानी कि भरे हुए। तो रंगहीन भरे, रंगहीन भरे मुख्य रूप से लक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हो रहा है यह भी 1.8% जो वैज्ञानिक ने बताया था वही लिखा जा रहा, 1.8% नहीं दिखाई दे रहा हो आपको। अब जो चौथा लक्षण प्राप्त हो रहा है, चौथे लक्षण में आप देख लें, स्मॉल सी दोनों हैं और स्मॉल एस दोनों हैं। तो देख लीजिए, स्मॉल सी दोनों है और स्मॉल एस दोनों, तो यानी सीधे सीधे क्या लिख लिया आया, रंगहीन एवं सिकुड़े। तो मैं साइड से लिख रहा हूं, रंगहीन व सिकुड़े, यह मुख्य रूप से 48.2% कैरेक्टर प्राप्त हुआ। तो देख लीजिए, इससे सिद्ध हुआ, ये एफ टू पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई, इससे सीधे सीधे मुख्य रूप से ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि नया रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुआ, न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुआ, नए लक्षण प्राप्त हुए। और नए लक्षण कितने परसेंट प्राप्त हुए, 3.6% लक्षण प्राप्त हुए। कौन कौन से लक्षण प्राप्त हुए थे, तो देखिए नए लक्षण में जो न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हो रहे, न्यू रिकॉम्बिनेंट, तो न्यू रिकॉम्बिनेंट कौन कौन से प्राप्त हुए, रंगदार सिकुड़े और रंगहीन भरे, रंगदार सिकुड़े, रंगदार सिकुड़े कितने परसेंट थे, 1.8%। कितना परसेंट था, 1.8%। और दूसरा कौन सा, रंगहीन भरे, रंगहीन भरे, यह भी 1.8% था। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो दो करेक्टर प्राप्त हुए, अब मैं थोड़ा सा इनको गोले में लेकर आ रहा हूं, ये वाले दो करेक्टर जो प्राप्त हुए थे, ये दो करेक्टर पेरेंट्स में कहीं देख लीजिए, चाहे इस वाली पीढ़ी में देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, कोई भी मुख्य रूप से प्राप्त नहीं था। क्या तो इसका मतलब यह हो कि पेरेंट्स के से हटकर ये करेक्टर प्राप्त हुए, तो स्वाभाविक है वैज्ञानिक ने ये कहा कि ये लक्षण नया कैसे आ गया। वैज्ञानिक ने तर्क निकाला कि एक जीन दूसरे जीन से अत्यधिक दूरी पर स्थित होगा क्रोमोसोम पर, जिसके कारण वह साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सका, जिसके कारण वह जीन जो दूरी पर अधिक स्थित था, उस कारण से मुख्य रूप से ये एक साथ नहीं जा सका। इस वजह से वैज्ञानिक ने इसी को इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता कहा। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि मक्की में जो न्यू रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर प्राप्त हुए, 3.6% प्राप्त हुए थे, और जो पेरेंटल कैरेक्टर जो प्राप्त थे वह मुख्य रूप से कितने थे, 96.4% प्राप्त थे। देखिए 48 ये और 48 ये, इनको जोड़ोगे तो 96.4 आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मुख्य रूप से कैसा आएगा, पेरेंटल कैरेक्टर 3.6 प्राप्त होता है। तो इससे मुख्य रूप से सिद्ध होता है कि अपूर्ण सहलग्नता में जितनी अत्यधिक दूरी पर जो जीन स्थित होते हैं, उनके पृथक होने की संभावना अधिक रहती है। इस कारण से नए लक्षण वाले नए लक्षण वाली संतति प्राप्त होती है, यानी न्यू रिकॉम्बिनेंट प्राप्त होते हैं, नया लक्षण प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या इनकम्प्लीट लिंकेज है,
इसके बाद मुख्य रूप से जो अगला टॉपिक लिया जाएगा कौन सा आएगा, 80 नंबर का टॉपिक आएगा। इस 80 नंबर के टॉपिक में मुख्य रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन पर चर्चा करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन पर से तात्पर्य यह है कि वह नहीं, मैं आपको 15 मतलब पीछे मैं पढ़ा के आया हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन को अलग से आप पढ़ा दीजिए, क्या अलग से टॉपिक लेकर पढ़ा दीजिए, कि ये हमारे टीचर्स द्वारा, उनके जो टीचर्स पढ़ाते होंगे उनके टीचर्स ने इसको बहुत वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चंस बताया गया, तो इस वजह से मतलब मैं उसमें ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन को 80 नंबर पार्ट में अलग से लेकर चर्चा आपके समक्ष करूंगा।